सर, जिस तरीके से देखा जाए कि पिछले 3 महीने से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके पहले भी आपने प्रोटेस्ट किया, सरकार की तरफ को से आपको पूरा आश्वासन मिला कि कार्रवाई की जाएगी, अगर ऐसा कुछ निकल के नहीं आया तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा निकलेगा क्यों नहीं, सुप्रीम मतलब कानून से बड़ा तो हमारे देश में कुछ नहीं है, तो कानून पे हमें पूरा विश्वास, न्यायपालिका पे हमें पूरा विश्वास है कि वो खिलाड़ियों के साथ न्याय करेगा और जो दोषी उसको सजा देगा। अच्छा सर, जिस तरीके से अनुराग ठाकुर कुंदेले वो अपने हर भाषण में कहते हैं कि हमारे देश का जो खिलाड़ी है वो विदेश में जाकर भारत का परचम लहराता है, तो अपने देश के खिलाड़ियों को सम्मान करना चाहिए। अभी आज एक भाषण में आप देख लें, पीएम मोदी ने भी कहा था कि देश के खिलाड़ियों के लिए कुछ करना चाहिए, तो आपको लगता नहीं कि सरकार की इसमें कोई ना कोई कमी है? ये कर रखा है देश के खिलाड़ियों के लिए, ये जो चल रहा है, तो इससे बुरा समय और क्या आएगा देश के खिलाड़ी, ये कि देश के खिलाड़ी नहीं है, ये मेडल नहीं लेके आते, या ये मेडल लेके आते वो मायने नहीं रखते। जब खिलाड़ी मेडल लेके आते तब तो सब बधाई देने के लिए आ जाते हैं। आज देश के बेटे बेटियां जब ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड गेम मेडलिस्ट, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट यहाँ बैठे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अच्छा सर, जिस तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि जब अभी खिलाड़ी आए थे उनका जिस तरीके से स्वागत किया गया, एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया, फूल मालाओं उनका पूरा भयंकर स्वागत हुआ, अब अगर आज की डेट में आप लोग यहाँ पे खड़े हैं तो सरकार सुन क्यों नहीं रही है समस्या आपकी? क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह अगर देखा जाए तो बीजेपी सांसद भी हैं, और योगी सरकार ने पूरे देश के खिलाड़ियों को बुलाकर उत्तर प्रदेश में सम्मानित किया था, उनको पुरस्कृत किया था। देखिए, ये आप सवाल सरकार से पूछिए, वो बेहतर जवाब दे सकते हैं किस चीज़ का दबाव है, क्यों एक्शन नहीं ले रहे, वो ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। तो हमारे साथ में थे बजरंग पुनिया जी, जो रेसलर हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो अगला फैसला होगा वो आने वाला वो निर्णायक होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, अपने धरने पर अपने बातों पर हम लोग अड़े रहेंगे, सरकार इस पर फैसला लेगी।